जी, माय नेम इज अमित कुमार भाटी, दिस इज योर माइक्रोवेव ओवन। क्या आपका कैसे क्या करना है इसमें माइक्रोवेव में सारा चीज़ पकाने के लिए? इसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, माइक्रोवेव है, ग्रिल है, कन्वेक्शन है, कॉम्बी है ना। तो माइक्रोवेव को हम प्रेस करते हैं तो ये टेम्परेचर शो होता है 100 टेम्परेचर। जैसे गैस का फ्लो फ्लेम हाई फ्लेम रखते हैं तो ये आपका हाई फ्लेम है, और सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो लो होगा, उससे होगा मीडियम होगा, फिर वेरी लो होगा। ठीक है, 10 टेम्परेचर से लेकर के 100 टेम्परेचर तक होता है इसमें। 100 टेम्परेचर में हाई फ्लेम होता है। फिर इसके बाद हम इसको टाइमिंग देते हैं कि कितना मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम में पकाना है। तो अपना टाइम अकॉर्डिंग 1 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड अपने कीबोर्ड पे अपना टाइमिंग शो ऐड करके और स्टार्ट कर देना है। ये 1 मिनट 23 सेकेंड में आपका पानी खोल जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग देंगे इसमें तो मतलब अपने जो भी फ्लेवर्स हैं इसमें उसके अकॉर्डिंग में आप टाइम ऐड करेंगे और वो उस टाइम में अपना कंप्लीट कर देगा प्रोसेस। ठीक है, ये है माइक्रोवेव। ओनली इसमें माइक्रोवेव में पकाना होगा आपका, माइक्रोवेव में होगा। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है ग्रिल। ग्रिल को प्रेस करेंगे तो इसमें ओनली हम किसी चीज़ को बिस्किट या नमकीन को रोस्टेड करने के लिए, ग्रिल करने के लिए, गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं ग्रिल का। ग्रिल में इसमें स्टार्ट कर देंगे ग्रिल बटन प्रेस करते हैं। इसमें टेम्परेचर हाई फ्लेम नहीं आता है, इसमें हीटर ऑन होता है, ओनली हीटर ऑन होता है। इसमें हम बस ग्रिल प्रेस करेंगे, ग्रिल प्रेस करने की वन आ जाएगा। इसमें हम टाइमिंग दे देंगे जो भी टाइमिंग रखाना है अपना। ठीक है, देन स्टार्ट कर देना है हमें, या 42 सेकेंड में बढ़िया गर्म हो जाएगा, रोस्टेड हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है मेरा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता है क्या कि इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। कन्वेक्शन में आपका लगभग माइक्रोवेव 60% चलता है, 40% बेकिंग या बेकिंग का काम होता है, बेकिंग करता है। तो इसमें आपका ये फ्लेम आ जाता है, जितनी टाइमिंग आता है और 200 इसमें टाइम होगा 200 लेकर के 1 घंटे तक। तो इसमें आप टाइमिंग ऐड कर देंगे, ऑप्शन होते हैं पर ये सेम ही होते हैं। किसी भी इसमें लगा करके, किसी भी C1 या C2 पे लगा करके, इसमें होता है C1 C2 C4, इसमें 60% आपका बेकिंग का काम करता है और 40% आपका माइक्रोवेव का काम करता है। आप इस डेमो में मुझे राइस कैसे उसमें रख सकते हैं बाउल में, वो मुझे बताएंगे? राइस नहीं करेंगे, हमें माइक्रोवेव का यूज़ करना है। माइक्रोवेव को प्रेस करेंगे, इसमें फ्लेम आ जाएगा 100 टेम्परेचर फ्लेम का, और अपने अकॉर्डिंग राइस ले लेंगे और पानी अकॉर्डिंग डाल देंगे और टाइमिंग डाल देंगे अपना। मान लीजिए कि थोड़ा है, 1 कप है तो लगभग 5 मिनट में आपका राइस तैयार हो जाएगा, तो 5 मिनट ऐड करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट आपका राइस तैयार हो जाए। बीच में आप पॉज कर करके, स्टॉप करके चेक भी कर सकते हैं कि मेरा राइस हो गया कि नहीं हो गया है। देन स्टार्ट कर सकते हैं। चावल रख दिया, माइक्रोवेव को प्रेस कर दिया 100 टेम्परेचर पे, और हमने टाइमिंग दे दिया 5 मिनट का, 5 मिनट 55 सेकेंड, और देन स्टार्ट कर दिया। देखते हैं चावल बनता है ना।
मेरा राइस तैयार हो गया है। ये लमसम 7 मिनट हमें लगा है इसको बनाने में। ओके, ये डेमो कंप्लीट हो गया सर जी। ओके, थैंक यू।